शनिवार को दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक 65 साल के आर्थोपेडिक सर्जन की कुछ अनजान हमलावरों ने उन्हीं के फार्म हाउस में 3 गोलियां मारकर हत्या करने की कोशिश की। नहीं पता चल पाया अभी तक गोली किसने चलाई है? नहीं, अभी नहीं पता चला। जब उनको होश आएगा वो खुद ही बताएंगे, और हॉस्पिटल का भी नहीं बता सकते। घटना स्थल के पास कुल 4 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, लेकिन कैमरा में कोई भी नहीं दिखा। जानकारों का मानना है कि हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत खून करने और आपराधिक साजिश के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया है। आपस का भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ हमें आइडिया नहीं, ये नहीं पता। अनजान हमलावरों द्वारा हमला किए जाने पर नागर ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से 13 राउंड फायर करके विरोध करने की कोशिश की थी। उन्हें इस समय गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। नागर को शक है कि इसके पीछे उनके भाइयों का हाथ हो सकता है। घर की तरफ जा रहे थे तो जंगल से 3 या 4 बंदे निकले और उनको फायरिंग किया।